हाई गाइज, वेलकम टू द चैनल। एंड वी ऑल नो डाइट का कितना मेजर रोल होता है हमारी फिटनेस जर्नी में, स्पेशली एक ऐसी डाइट जिससे हमें हर मील से हाई प्रोटीन मिले। एंड देखो यार, आई वॉज नेवर अ बिग फैन ऑफ ओट्स। मैं भी अपनी फैमिली की तरह इसकी रेसिपीज को देखता था और सोचता था कि भाई कोई कैसे इसे खा सकता है। बट देन मैं अपने पोस्ट वर्कआउट मील से काफी बोर हो गया था, एंड देन मैंने सोचा क्यों ना इसे एक्सप्लोर करा जाए। और भाई सीरियसली मैं पागल हो गया। सिंस देन आई हैव नेवर लुक बैक। यार एक तो इसे इतने सारे तरीकों से बना सकते हैं अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करके अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। एंड क्योंकि अब मुझे काफी वक्त हो गया इन्हें खाते हुए, मैंने अपने लिए एक परफेक्ट और टेस्टी सी रेसिपी सेट कर ली है। सो मैं इस वीडियो में आज आपसे उसी को शेयर करने वाला हूँ। एंड अगर आपने पहले कभी ओट्स नहीं खाए, सो आई प्रॉमिस आपका परसेप्शन ओट्स को लेकर चेंज होने वाला है। एंड अगर आप पहले से वही सेम ओट्स की रेसिपी को खा के बोर हो गए हो, सो आप भी इसे ट्राई कर सकते हो अपने ओट्स को वापस इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने ओट्स पे। अब फर्स्ट हम अपने बोल में लेंगे ओट्स। आप अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैं यूजुअली 80 टू 100 ग्राम्स ही लेता हूँ। सो चलो हम फिलहाल 80 ग्राम्स ऑफ ओट्स ले लेते हैं। मैं पर्सनली काफी टाइम से क्विकर ओट्स चूज कर रहा हूँ, ये मेरे हिसाब से ओजी हैं। एंड देन हम अपने ओट्स में लेंगे एक बनाना। अब अगर मेरे ओट्स में बनाना ना हो तो उसमें कुछ भी डाल लो, मुझे कुछ मजा नहीं आने वाला। ये बनाना मेन एलिमेंट है मेरे ओट्स का। फर्स्ट, इसका हर बाइट में टेस्ट आता है जिससे मुझे तो पर्सनली काफी मजा आता है ओट्स खाने में। एंड दूसरा, एक्चुअली दूसरा है ही नहीं, बिना बनाना के मैं अपने ओट्स को खा ही नहीं सकता। सो इसके हम छोटे छोटे पीसेस करके अपने ओट्स में डाल देंगे, ताकि जैसे मैंने पहले बताया है हर बाइट में आपको वो सॉफ्ट बनाना का टेस्ट मिलता रहेगा। अब यार आप अपने अकॉर्डिंग टेक्निक लगा सकते हो, मैं तो इसके जितने स्मॉल पीसेस कर सकता हूँ करता हूँ। बट देन बनाना कैसे भी काटो वो इम्पोर्टेंट नहीं, बस आप बनाना डाल रहे हो कैसे भी काट के वो इम्पोर्टेंट है। एंड देन पहले मैं इसमें सीधा मिल्क डाल देता था, बट देन बाय द टाइम मैंने रियलाइज किया मिल्क से पहले थोड़ा पानी डाल लो ताकि आपके ओट्स की वो स्टिकीनेस चली जाए। सो इसलिए हम पहले लेंगे इसमें थोड़ा पानी एंड देन डालेंगे मिल्क। अब आप मिल्क को अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मुझे पर्सनली ज्यादा मिल्क पसंद नहीं अपने ओट्स में, एंड इट वर्क्स फॉर मी बिकॉज वो एक्स्ट्रा कैलोरीज मिल्क से मेरी बच जाती हैं। सो अगर आप भी मेरी तरह लीन रहने का ट्राई कर रहे हो तो आप भी अपने मिल्क की क्वांटिटी कम कर सकते हो। बट देन अगर आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज से फर्क नहीं पड़ता और मिल्क का टेस्ट भी पसंद है, सो जरूर डालो यार, मजे लो। बल्क के टाइम तो आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी। सो मैं इसमें ले लेता हूँ 80 टू 100 ml ऑफ मिल्क। अब इसके बाद इसे कुक करने के लिए हम इसको रख देंगे माइक्रोवेव में। अब पहले मेरे पास माइक्रोवेव अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसे नॉर्मली गैस पे भी बनाया है, और आप इसे सिंपली गर्म पानी डाल के भी कुक कर सकते हो। माइक्रोवेव काफी कन्वीनियंट ऑप्शन है, तो उसी में बना लेता हूँ। अब पहले मैं इसे डायरेक्टली 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख देता था, बट देन अपने ओट्स को बेटर कुक करने के लिए मैंने इसमें एक ट्रिक निकाली, विच इज पहले अपने ओट्स को 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में कुक होने के लिए रख दो, एंड देन ओपन करके थोड़ा मिक्स करो अपने ओट्स को, एंड फिर वापस से 40 सेकंड्स के लिए रख दो, जिससे वो इवनली रेडी हो जाएंगे। एंड देन माइक्रोवेव से निकाल कर हम इसमें लेंगे 1 स्पून ऑफ पीनट बटर, विच इज ऑलमोस्ट 16 ग्राम्स। अब मैं करंटली चॉकलेट पीनट बटर यूज कर रहा हूँ, एंड जिन जिन चीजों को मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ उनका लिंक मैं नीचे ड्रॉप कर दूंगा। अब आप इसे थोड़ा चॉकलेटी करने के लिए थोड़ा कोको पाउडर भी डाल सकते हो, या फिर एंड में एक डार्क चॉकलेट। अब मैं पर्सनली क्या करता हूँ वो मैं आपको अभी शो करता हूँ, एंड ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्जी करना है तो करो अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंग। सो पहले हम इस चीज को लेंगे। अब आई थिंक ये सबके घर में होगा ही, फ्रेंकली मुझे कोई आइडिया नहीं इसे क्या कहते हैं, जो भी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड इसमें हम लेंगे एक डार्क चॉकलेट एंड 5 to 10 आलमंड्स, एंड इन्हें हम अच्छे से कूट देंगे यानी मैश कर देंगे बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में, एंड फिर हम इसको डाल देंगे अपने ओट्स में। फिर हम इसमें लेंगे 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, एंड वे प्रोटीन वी ऑल नो काफी कन्वीनियंट ऑप्शन है प्रोटीन का, प्लस इससे वो एक्स्ट्रा टेस्ट और फ्लेवर भी ऐड हो जाता है। अब इसको हम कर देंगे मिक्स, एंड इस स्टेप में सबसे जरूरी है पेशेंस। स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा वियर्ड सा लगता था, बट जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते रहोगे आपके ओट्स अच्छे से रेडी हो जाएंगे। एंड अब आप खुद देख सकते हो क्या प्यारा सा टेक्सचर हो गया है। अब अलग से वीडियो बना रहा हूं तो अच्छे से ड्रेसिंग भी कर देते हैं। ये मैंने थोड़े बादाम और चॉकलेट बचा ली थी एंड के लिए, एंड हल्का से लेंगे पीनट बटर, एंड देखने में काफी फैंसी सा लग रहा है और बहुत टेस्टी भी। एंड मैं इसे अभी इजीली खत्म कर सकता हूँ। एक्चुअली रेसिपी वीडियोस की एक यही प्रॉब्लम लगती है मुझे कि अच्छे से दिखाना भी है, बट आधे से ज्यादा टाइम तो खुद ही मन कर रहा होता है खाने का। सो इसलिए यार इतनी मेहनत से कंट्रोल कर रहा हूँ। सो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना, वर्थ हो जाएगा। बढ़िया गेम खेल रहा हूँ। सो ये थी हमारी टेस्टी ओट्स की रेसिपी, और आपने खुद देखा इसे बनाना कितना इजी है। एंड इसे मैं यूजुअली अपने पोस्ट वर्कआउट में ही खाता हूँ, एंड आपको पता ही है यार उस टाइम कितनी भूख लगती है। सो इसका यही बेस्ट पार्ट है, ये जल्दी भी प्रिपेयर हो जाता है एंड मेरे पेट को पूरा फिल भी कर देता है। एंड इसके मैक्रोस हैं ये। सो इसे खुद ट्राई करो एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज लाइक द वीडियो, ऑल्सो शेयर इट विद अ फ्रेंड ताकि उसे भी हेल्प मिले, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मुझे भी हेल्प मिले। मैं हर वीक इस पे एक फिटनेस रिलेटेड कॉन्टेंट डालता रहता हूँ। सो चलो यार बहुत हो गया, मैं करता हूँ अपने ओट्स को एंजॉय, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।